भुवनेश्वर पहुंचला अहिंसा रथ गोपबंधु छक रथ को बीएमसी एवं सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्ष स्वागत करा महापुरुषों प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण करा जाए अहिंसा रथ शोभायात्रा आगे चली। उत्कलमणि गोपबंधु दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास पूर्वतन मुख्यमंत्री नंदिनी देवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाखी खुंटिया बक्से जगबंधु प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण कर जातिर पिता महात्मा गांधी मूल मंत्र अहिंसा अहिंसा मार्ग में देश को मिली स्वाधीनता संविधान मुखबंधे अहिंसा को सामिल करने को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वर उठाई एथपाई विधानसभा सर्वसम्मति क्रमे प्रस्ताव गृहीत होने लोकों मध्य जनसचेतनता सृष्टि करने अहिंसा रथ समग्र राज्य परिक्रमा कर गत अगस्त 15 दिन माननीय मुख्यमंत्री अहिंसा रथ चारोटी अहिंसा रथ चारिदिग को प्रेरण ताकु लॉन्च करथिले एवं चारिटी एक रथ फेरी आसी एटी पहुँचला पर आम स्वागत करूँ ये स्वागत सभा होता आमर ब्रांड आम्बासडर जो मैंने अच्छा बीएमसी समस्त उपस्थित थे कॉर्पोरेटर कर्मचारी एवं साधारण व्यक्ति समस्त उपस्थित थे मुख्यतः आम गुरुत्व देउछु जेहेतु गांधी बार्ता थी स्वच्छता से स्वच्छता को लेकिन भुवनेश्वर महानगर निगम काम करे तेणु ताकू आउ केमती भल भाव में कर से विषय आज आम निश्चित भाव समस्त से संदेश दौ प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जहाँ कहते भारत सरकार मानवा बाध्य कारण से जो से कि महत्व था तेणु यही पार्टी किसी कथा नुह अहिंसा आमर भारत को स्वाधीन करी आज संविधान में अहिंसा बाबद बाबा अंबेडकर तेरह जन को लेकिन जो संविधान ताजे अच्छी तेणु से न्याज्य दाबी रखिंट दाबी निश्चित भाव पूरण हे।